नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज वर्ल्ड इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। शायद आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्हें जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात कई बार ही आती होगी कि क्या टीवी दिखाने से ऑटिज्म होता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि कहीं भी कोई रिसर्च में ये सामने नहीं आया है कि टीवी दिखाने से ऑटिज्म होता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएं। देखिए, ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा देर से बात करना शुरू करता है, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ऑटिज्म से, वो पूरी ज़िंदगी भी ढंग से बात नहीं कर पाते, उनकी ओवरऑल कॉग्निटिव एंड लर्निंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, उनका सोशल बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है, उनका सोशल और इमोशनल बिहेवियर आम बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा खुल के सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और टीवी दिखाने से भी कुछ हद तक यही सारे सिम्टम्स बच्चों में सामने आते हैं, क्योंकि जब बच्चा टीवी देख रहा होता है तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। हो सकता है बच्चा उससे कुछ चीज़ें सीख भी रहा हो, बट उसे कब कहाँ कैसे एक्सप्रेस करना है उन चीज़ों को जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, अपने शब्दों में कैसे आर्टिकुलेट करना है, वो बच्चा नहीं सीख पाता। और फिर हम पेरेंट्स को होती है टेंशन जब बच्चा देर से बात करना शुरू करता है, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है, तो हमें लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को टीवी दिखाने से तो ऑटिज़म नहीं हो गया। तो टीवी दिखाने से ऑटिज़म नहीं होता है, लेकिन हाँ, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। वैसे टीवी दिखाने के दुष्परिणामों के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं अगर आप छोटे बच्चे को टीवी दिखाते हो। 2 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है, ऑलमोस्ट 90-95% बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है जब तक बच्चा 2 साल का होता है। इसीलिए यहाँ हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम और 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को नॉट मोर देन 2 आवर्स, ताकि बच्चा जो है वो हमारे नॉर्मल बिहेवियर को देखे सीखे और उसे कैसे कहाँ व्यक्त करना है, कैसे आर्टिकुलेट करना है उन सेंटेंसेस को, कैसे अपने बिहेवियर को पोर्ट्रे करना है, वो सारी चीज़ें सीखे। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी ऑटिज्म से प्रभावित है और बच्चा टीवी भी देख रहा है, तब तो मतलब डबल अटैक हो जाता है कि एक तो बच्चा ऑलरेडी थोड़ा चैलेंज्ड है और हम उसे सीखने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे नॉर्मली हमारी चीज़ों को देख के सीख सकते हैं, भले ही उनकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो, लेकिन वो सीख सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ हम उनकी अपॉर्चुनिटी उनसे छीन ले रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को टीवी नहीं दिखाएं। टीवी दिखाने से ऑटिज़म नहीं होता है, लेकिन ऑटिज़म के जो लक्षण हैं बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाले बच्चों में भी पाए जाते हैं। इसीलिए टीवी बच्चों को 2 साल तक बिल्कुल नहीं दिखाएं। तो फ्रेंड्स, अपने छोटे बच्चों को टीवी के बजाय आप अपना समय दीजिए, उन्हें सीखने की लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और अगर आपको किसी पॉइंट पर लगता है कि आपके बच्चे को चीज़ें सीखने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया है और अभी तक कुछ भी बात नहीं कर पाता है, तो आपको बिल्कुल स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा ऑटिज़म से प्रभावित नहीं भी है, तो भी अगर किसी वजह से बच्चा बोलने में डिले कर रहा है, तो स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी बच्चों को हमेशा हेल्प करती हैं। और पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि 6 साल तक जो थेरेपीज़ हम बच्चों को देते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे को हेल्प करती हैं। अगर आपका बच्चा सीखने में, समझने में, बोलने में देरी कर रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया है, 2.5 साल 3 साल होने को आ रहा है, बट अभी भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, बिहेवियर थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो आपके बच्चे को हेल्प करे नॉर्मल बात करने में, नॉर्मल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर सीखने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और अपने बच्चों के लिए आप सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाएं। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। नमस्कार।